जैसे यदि आपका साइंस है तो साइंस वाले लिंक पर क्लिक करना है, आर्ट्स है तो आर्ट्स पर क्लिक करना है। तो चलिए हम फटाफट लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं पार्ट टू रिजल्ट के लेकर के यहाँ पर जो साइट ओपन हो गया। बट जब आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको ये लिंक मिल जाएगा और पार्ट टू का रिजल्ट सचमुच अभी जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। पहले भी हम बता चुके हैं आपको। और गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, एमएनसी क्लासेस सर्च करना है, फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पे आ जाना है। और अपडेट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है पार्ट टू रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ पार्ट थ्री में नामांकन भी चल रही है तो नामांकन के बारे में भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अभी पार्ट टू का रिजल्ट नहीं दिया गया है लेकिन लिंक जो है एक्टिव है, बट आप रियल चेक नहीं कर सकते हैं। आखिर क्यों, इसके बारे में आगे जानकारी हम आपको दे देंगे। डेट जो बता दिया गया है कि कब पार्ट टू का रिजल्ट आने वाली है, तो इसके बारे में हम जान लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पष्ट बताया गया है गाइडलाइंस के अनुसार 60 दिनों के भीतर किसी भी यूजी या पीजी का रिजल्ट जारी किया जाना है, किसी भी खंड का, चाहे वो पार्ट टू हो, पार्ट वन हो या पार्ट थ्री हो, या सेमेस्टर फर्स्ट हो, सेमेस्टर सेकेंड हो, या कोई सा भी हो, या चाहे पीजी के हो, तो 60 दिनों के भीतर जो है रिजल्ट दिया जाना, ऐसा निर्णय लिया गया है। बट बात करेंगे पार्ट टू एग्ज़ाम 13 जुलाई को ख़त्म हुआ, यानी पिछले महीना ख़त्म हुआ है, जिसके मुताबिक अगर बात करेंगे 13 जुलाई को एग्ज़ाम यदि ख़त्म होता है तो आपका रिजल्ट सितंबर माह में जारी होना चाहिए, निश्चित रूप से सितंबर में जारी हो जाना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी का इस पर क्या निर्णय है, क्या बताया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार 60 दिनों के भीतर रिजल्ट आपका जारी होना है, जिसके मुताबिक सितंबर में रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। कॉपियों का मूल्यांकन 20 अगस्त यानी 20 अगस्त के बाद, यानी अगस्त के बीच वाले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, ऐसी जानकारी जो है यूनिवर्सिटी में दिया गया है, जब आंदोलन अभी चल रहा है तो इस स्थिति में। तो आपका रिजल्ट जो फिलहाल बात कर लेते हैं तो आपका सितंबर माह में कब जारी की जाएगी, तो सितंबर के लगभग लगभग आपके रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे, तो लगभग आपका रिजल्ट हो जाएगा जारी 15 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी होगा। आखिर क्यों होगा 15 सितंबर के आसपास, क्योंकि अभी जो है आपका कॉपी चेक होना शुरू भी नहीं हुआ है और 13 सितंबर को 60 दिन पूर जाएगा, तो इसके मुताबिक जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको 13 सितंबर से पहले जारी करना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा लेट होता है तो 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है जारी तब जाकर के आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए और आंदोलन होगी, और हम लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, जो जो अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल पार्ट वन में नामांकन चल रही है तो नामांकन आपको करा लेना है, और पार्ट टू रियल कैसे करनी है तो यहाँ पर चेक कैसे करनी है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर साइंस होगा तो साइंस पर क्लिक करिएगा, आर्ट्स है तो आर्ट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाती है। अब आप इस पर जो है रोल नंबर डाल करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर रोल नंबर डाल करके देखिए क्या चेक होता है या क्या बताता है, और क्या बताता है चेक करने के बाद आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी पार्ट थ्री की तैयारी आप लोग करते रहिए, पार्ट थ्री का कोई भी नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि अब एग्जाम और थोड़ा टाइट लिया जाएगा। बाकी यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइए। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना, यानी ऑल पर क्लिक कर देना है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।